Hello everyone. Welcome back to Siflo YouTube channel. I'm your Sushma ma'am. Again, with a new topic, as I promised you, I'm come again with a new topic, so I'm here with a new topic, and as you can see that new topic is representing 3D figure in two-dimensional. Yes, so we are used two-dimensional how to make a two-dimensional figure in 3D figures. Okay, so let's start. But for our new viewers, I'll introduce what is Swiflearn. So Swiflearn is India's most sincere learning destination for class one to ten. Here, all the classes are hundred percent live and interactive. Second point is each and every student get personal attention with of their teacher because the maximum student in our batches only six, minimum one, and our academic team.

give you some extra classes for that also so here the key features we are providing to our students we are whenever we are conducting ptm we are providing that progress report detailed progress report and here we are also providing unlimited practice test so just as the exam is coming you want to practice test practice so here we are providing all these things 4500 practice test

टेस्ट भी होता है एंड इन दैट केस योर टीचर हेल्प्स यू हाउ टू गेट द मार्क्स इन द सब्जेक्टिव टेस्ट ओके सो देर किस बात की जल्दी से एक ट्रायल क्लास बुक कीजिए एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी हियर इन अ कमेंट बॉक्स फॉर आर न्यू व्यूवर्स एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब इट एंड इफ यू डोंट वॉन्ट मिस एनी ऑफ द अपडेट्स

How to define and draw the polyhedron and identify the faces, edges and vertices in polyhedron. Okay, so can you see this? And can you tell me what are the shapes? If you see this, it's look like it's look like what? It's look like triangle. But J a ye shape 2D say 3D convert we. So that's look like prism. यस पेपर वेट आपने देखा होगा प्री सिमिलरली दिस टीवी दिस टेलीविजन इट्स लुक लाइक रिक्टेंगल फॉर्म बट क्या हमारी टीवी का बैक एंड एकदम रिक्टेंगल होता है दिस चिप्स बॉक्स इट्स लुक लाइक इन सिलेंडर ओके सो लेट्स लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग हाउ टू रिप्रेजेंटिंग थ्री डी इन टू डी ओके सो द्राइंगल रिक्टेंगल एंड सिलेंडर सुनाओ

आर कॉल्ड एज प्लेन फिगर दो फिगर आर कॉल्ड प्लेन फिगर बट इफ यू सी दिस क्यूब एंड सिलेंडर अब इस क्यूब और सिलेंडर में क्या होता है जैसे हमारा पर्टिकुलर मोबाइल फोन आप बात कर लीजिए सो so, ये क्या है क्यूबॉइड शेप है आप इसको देखते हो ये फेस देखते हो ये फेस डिफरेंट डिफरेंट फेसेस ओके सो डिफरेंट डिफरेंट अगर आपने फेसेस देखे सिमिलरली विथ क्यूब सो वॉट इज क्यूब क्यूब इज अल टाइप ऑफ क्यूबॉइट विच हैविंग ऑल साइड इक्वल

पर्टिकुलर पिक्चर हो रहा है सब कुछ हो रहा है वो आपके सामने एक्शनेबल जो हो रहा है सामने परफॉर्म हो रहा है आपको ऐसा लगा कि आप वहीं पर हो ओके सो ऑफ दैट इन थ्री डी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं सॉलिड फिगर दिस कॉल्ड एज सॉलिड फिगर बिकॉज यू कैन व्यूज देर डिफरेंट व्यूज सो थ्री डी फिगर्स विच कैन बी मेजर्ड इन थ्री डायरेक्शन मीन्स लेंथ विथ एंड हाइट आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ओके So that's the point about the 3D figure. So these shapes are also called solid shapes, and they are different from 2D shape because 2D, sh 3D shapes having height. Uh, the difference is only height. So now let's discuss about types of 3D figures. As you can see here, some cone some sphere, some hemisphere. Hai. Yes, and not only sphere, hemisphere. Actually, we have a different types of shapes. कि एक के ऊपर भी हम रियल लाइफ में देखते हैं क्या एक ही थ्री डी फिगर होती है नहीं सो फर्स्ट लेट सी द डिफरेंस बिटवीन टू डी एंड थ्री डी सो एज यू कैन सी दैट टू डी हैज नो हाइट थ्री डी हैज हाइट टू इज फ्लैट फिगर बट थ्री डी इज सॉलिड फिगर सो एग्जाम्पल्स ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागन सो यू आर ड्राॅइंग ऑन पेपर ये बट वेन एवर यू आर सींग इन योर हैंड ओके okay, आप डिफरेंट फेसेस देख सकते हो उसकी कुछ हाइट होती है मीन्स दट क्यूब र्यूबिक्स क्यूब या कौन ये बर्थे कैप सो सिलेंडर्स फियर प्रिज पिरािड ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डी बट वॉट इज द कॉमन थिंग लेंथ एंड विथ आर द कॉमन इन बिटवीन दीज टू फिगर्स टू डी एंड थ्री डी द डिफरेंस इज ओनली हाइट एंड टू डी फिगर्स आर कॉल्ड एज फ्लैट फिगर्स बट थ्री डी फिगर्स आर कॉल्ड एज सॉलिड फिगर्स सोनाओ एज यू कैन सी ही ट इज दिस दिज आर द डिफरेंट शेप्स येस दिज आर द डिफरेंट शेप्स और वी कैन से दैट दिज आर द्री डी फिगर्स सो दिस वन इज द स्क्र दिस वन ट्राइंगल दिस वन सिलेंडर दिस यार कॉन फ्योर स्क्यूबॉइड एंड दिस योर सर्कल येस डिस्क सुना अब हम क्या करेंगे कि टू डी और थ्री डी फिगर्स को हम उस बकेट पर प्लेस करेंगे यस सो फर्स्ट ट्राइंगल इज टू डी नेक्स्ट

we have फॉर द 3D as well as for फॉर द but actually बट एक्चुअली are used फिगर्स आर 3d टू मेक 3D डी अगर आप थ्री डी के हर एक डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि टू डी से हम क्या बना रहे हैं थ्री डी बना रहे हैं और वन डी से हम टू डी बना रहे हैं यस सो नाउ लेट्स विजुअलाइज द थ्री डी ऑब्जेक्ट्स सो ऑल द अर्लियर शेप्स आर सिंगल यस बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं

आधा पार्ट दिख रहा है सो कौन समाउंटेड बाय के ऊपर क्या रखती है? एक को रखा है क्रीम, समाउंटेड बाय मतलब को मिला के, एक फिगर हमारी रेडी हुई so, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं रियल लाइफ में okay, so, so, सबको पता है कि ब्रिक्स किस लिए यूज होती है घर बनाने के लिए यूज होती है वॉल्स में अगर आप देखते हो सो so, अगर आप उसको देखोगे वो डिफरेंट शेप्स मिलेंगे आपको डिफरेंट फेसेस मिलेंगे इफ़ यू सी दिस वन साइड इट्स लुक लाइक अ बिग रेक्टेंगल दिस वन इज अ स्मॉल वन नाउ द टॉप टॉप हैविंग द लिटिल बिट मोर स्पेस सो इफ यू सी फ्रॉम द डिफरेंट व्यूज इट्स लुक डिफरेंट वो सब जगह से सेम नहीं लगेगा तो ये क्या होते हैं व्यूज तो थ्री में हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से अगर हम उनको देखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे सेम व्यूज नहीं मिलेंगे सो हियर वी है एग्जाम्पल एन एग्रीकल्चर तो हमें मैच करना है एग्रीकल्चर फील्ड कैसा लिख रहा है ये ये कुछ स्क्वायर है एंड देन उसके ऊपर कुछ कॉन टेंट ऐसा लगा है सो विच वन इज द करेक्ट वन टू रेक्टेंगल नो सर्कुलर पाथ नो अ ट्राइंगर फील्ड एड ज्वाइनिंग अ स्क्वायर फील्ड एग्जैक्टली सो वी कैन मैच दिस वन okay now cone out of cylinder no no yet a groove here this one a toy now see cone and this cone this hemisphere okay so cone and so hemisphere surmounted on cone circular park now how it's look like one circle Another circle. It's looks like a little bit the corona, yes, but it's not a it's a circular path. So circular paths surround around a circular ground. A cross path. Now see rectangle one a big rectangle. Then another two rectangles path crossed. Yes, if you see this one. So two rectangle cross path inside a rectangular park. So this one for this. Is it clear how to understand these? Yes. So, यहां से हम देखते हैं व्यूज अब थ्री डी शेप्स के कैसे व्यूज होते हैं जैसे हमने अभी ब्रिक का देखा था साइड से देखा टॉप से देखा यस yes, फ्रंट से देखा सो सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू सी द व्यूव ऑफ़ द थ्री डी फिगर लेट्स टेक वन एग्जाम्पल दिस हट ओके सो हट ऑल्सो हैविंग मेनी व्यूज बिल्कुल हो सकते हैं तो क्या स्फीयर के भी डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं येस yes, इफ वो पेंटेड है देन वी कैन सी द डिफरेंट व्यू बट अगर स्फीयर को देखेंगे तो वो सभी साइड से एक ही दिखने वाला है या सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ हट सो दिस हट अगर आप छत पर जाके देखोगे देन यू कैन सी दिस रूफ सो दिस इज यू ये यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस देन यू कैन सी ओनली दिस पार्ट so this is the front part of the house and if you are side then you can see the two windows and this area so this is a side view if you move to the another side also then you also can see another type of view so ho sakta dono side same ho yes so we have a different views so what are the views we have three views one is front top and side so we have the three views any solid figure so top front and side view. is it clear let's see some more examples so glass glass mein aapne side view dekha wo aapko different aaya aur agar aap top se dekh rahe ho to ye mat socho ki mujhe base dikh raha hai you are seeing only this 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 is the top view upar se okay, तो आपने बहुत सारे examples देखे Yes, when you are traveling by plane, aeroplane. So आपको कैसे दिखते हैं नीचे का एरिया मतलब बस ऐसा तो नहीं दिखता किसी का डोर दिख रहा है नहीं आपको सिर्फ टॉप व्यू दिख रहा होता है ओके सो टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देख रहे हो किसी चीज को साइड से देख रहे हो फ्रंट से देख रहे हो सो व्यू ऑन थ्री डी शेप वी कैन ऑल्सो गेट डिफरेंट व्यू ऑन फिगर मेड बाई ज्वाइनिंग क्यूब्स एग्जैक्टली अब देखते हैं यहाँ पे कि क्यूब्स uh, को ज्वाइन करने के बाद क्या मिलता है अलग फिगर मिली है हमें कुछ इस टाइप से फिगर है इफ यू आर सींग द टॉप सो डोंट सी कि यहां पर ब्लैंक होगा कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे यू आर सींग दिस पार्ट ओनली दिस इज योर टॉप यू ओके नाउ दिस पार्ट इज योर टॉप यू ओके सो दिस योर टॉप यू नाउ इफ यू आर सींग फ्रॉम द फ्रंट सो दीज थ्री क्यूब्स कम्स अंडर योर फ्रंट पार्ट मीन्स दिस एंड इफ यू सींग फ्रॉम साइड अब आप बोलोगे मैम ये तो सिर्फ एक ही है उसको भी आप ऐसे मानके चलोगे दिख रहा है तो आप उसको एक बैलेंस लेके चलोगे नहीं वो सब इक्वल में इज इट क्लियर लेट सी सम क्वेश्चन की हम नेट से स्क्वा कैसे बना सकते हैं मीन स्क्वायर से हम क्यूब कैसे फॉर्म कर सकते हैं या क्यूबॉइड कैसे फॉर्म कर सकते हैं ओके सो आईल शो यू अ लॉट ऑफ पैटर्न हियर एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अपना क्यूब या क्यूबॉइड कैसे फॉर्म कर सकते हैं थ्री डी येस नेट से ओके सो लेट सी दिस वन सो हियर वी हैव अ नेट एज यू कैन सी दिस नेट ओके So, we have this 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares we use, and now by making of this, we are going to make a cube or a cuboid. Is it clear? So, let's see how to make this one. So, in this 3D, we have 3 axes x, y, z, one for length, one for width, and one for height. okay so let's see this one so if i open this one okay and now i am going to close this so see this it make a cube yes and if you open this and now see this one okay so now i'll show you some more pattern of this so let us open this one yes so if you open this it become this so they yes so let us take one more pattern so up ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने घर में मतलब कुछ नेट्स कट कीजिए एंड इसको फोल्ड करके भी देख सकते हैं बट इजी वे से हम देखिए कैसे अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। ओके सपोज दिस इज अ पैटर्न नाउ हाउ टू मेक इट्स क्यूब अब इसको कैसे फोल्ड करेंगे नाउ सी सीन। यस ट्राई टू मेक योर ओन नेट्स एंड देन सी हाउ टू मेक इट्स अ सॉलिड फिगर एनाउ सी सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेट्स की क्या ये यहां पर स्क्वायर बना रहा है फेसेस बना रहा है या नहीं ओके सो आईल शो यू वन मोर पैटर्न एंड देन लेट्स हाउ इट विल वर्क सो एज यू कैन सी येसो डिफरेंट पैटर्न वी आर यूजिंग हि टू मेक आर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इन अ ईजी वे ओके स्टूडेंट्स और अगर आप भी ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं यू कैन एनरोल्व विद अस एंड यहाँ तो हम सिखा ही रहे हैं सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम विजुलाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट सो हियर वी हैव अग्जाम्पल ऑफ द मैच बॉक्स सो ना यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्री फेसेस दिए गए हैं आपको चूज करना है कि विच वन इज फॉरविड ओके सो फ्रंट साइड अब ये पार्ट क्या है आपका फ्रंट सो मीस दिस दिसड मीन्स दिस योर साइड अपसा दिस टॉप सो दिस वन इज योअर टॉप दिस वन इज योर फ्रंट एंड दिस वन इज योर साइड व्यू थ्री व्यूज और हमारी फिगर हो गई डन इज इट क्लियर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ कार अब आप कार के ऊपर बैठे होते हैं तो आपको कार का ही दिखता है ना ऊपर का टॉप ही दिख रहा होता है सो so सिमिलरली अब आपको थ्री फिगर्स दिए हैं आपको बताना है कि कौन सा व्यू कौन सा है ओके okay. सो so ये वाला आपका साइड व्यू है सो so कौन सा वाला ऑप्शन है दिस वन योर साइड व्यू एंड नाउ फ्रंट फ्रंट में आपको हेडलाइट दिख रही है यस yes, आपको सामने का ग्लास दिख रहा है दिस योर फ्रंट व्यू एंड नाउ फ्रॉम द टॉप यू आर सींग द रूफ ऑफ दैट सो दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ अ कार इज इट क्लियर

दिस वन इज योर टॉप ओके इक्वल लेके चलना है ना फ्रंट फ्रंट में आपने ये वाला पार्ट देखा अब आप बोलोगे मैं पीछे का तो नहीं फ्रंट में आप ये फेस देख रहे हो और ये वाला जो फेस है आपका ये इसके सामने मीन दिस योर फ्रंट और अब फ्रंट और साइड अब साइड में भी इस टाइप का ही है ये दो है और ये वाला जो फेस है ये सामने है, आप सपोज करो ये सामने सो साइड अब यहाँ पे या तो ये भी साइड हो सकता है ये फ्रंट हो सकता है वो फ्रंट हो सकता है वो साइड बिकॉज़ दोनों व्यूज़ क्या है। सेम है इज पॉलीड्रन एक्चुअली जो सॉलिड शेप्स होती है वो किससे बनती है वो हमारे टू डी शेप से बनती है विद डिफरेंट डिफरेंट फेसेस भी कैसे होते हैं पॉलीगन होते हैं यस yes. होते हैं हैं एंड जब उन faces को हम मिलाते हैं, वो meet करते 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 हैं 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 किस पे meet करते? Edges पे एंड एंड होते सो so अब जो figure हमारी बनती है वो बनती है हमारी पोलीहेड्रॉन सच सोलिडर सो हियर आइक द एग्जाम्पल इफ यू ओपन दिस अगर आप इसको ओपन करोगे सो so ये कुछ इस टाइप का होगा कि ये भी रेक्टाइंगल द्राइंगल दिस ऑल्सो ट्राएंगल इट्स ऑल्सो ट्राइंगल और जब आपने इसको फॉर्म किया देन इट्स बिकम दिस पिरामिड ओके सो सिमिलरली इफ यू ओपन दिस सो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस, एंड जब आपने ये तो ये क्या हो गई आपकी एज यीज आर दीज आर दीज आर दीज आर द Edges. और जब ये हम इन डिफरेंट फेसेस को मिलाते हैं मीट करते हैं okay, so you know है फिगर है है का ये सो पॉली मीन फोर फेसेस इफ वीव देंटा मीन एज पेंटा हेड्रॉन सिक्सा हेड्रॉन ओके एंड इफ हैविंग थर्टी फेसिस कॉन्ट्रा हेड्रॉन ओके सो अभी तक हमने पढ़ा था कि टेन साइड्स होती है डेकागन होता है नाइन साइड नोनागन एंड ऑल दीज थिंग्स सो अकॉर्डिंग द एक फेस ऑल्सो पॉलीहेड्रॉन हैविंग डिफरेंट नेम्स ओके सो वॉट वी हैव लर्न सो इन दिस

इसमें क्या और आगे नया सीखना चाहते हैं सो विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पर्टिकुलर दिस टॉपिक ओके सो बाय बाय सी यू